हाय हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनाली और आप सबको सोनाली कलरफुल लाइफ में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं बताना जरूर। अगर मेरी ब्लॉग का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जाकर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितना भी नया वीडियो आएगा आप लोगों को सो हो जाए और ये मेरे लिए भी थोड़ा मोटिवेशन के जैसे हो जाएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी आप लोगों को नया नया कुछ वीडियोस दिखा पाऊंगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं यहाँ बैठी हूँ तो कुछ सामान लेके बैठी होंगी आपको सो कराने के लिए, तो ज़्यादा देरी नहीं करते तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। एक्चुअली मैं कुछ यूटेंसिल्स स्टील का यूटेंसिल्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों को शो कराऊंगी। पहले मैं डीमार्ट का कुछ यूटेंसिल्स आपको दिखा देती हूँ और बाकी का जो है मीन्स ऑनलाइन से जो ऑर्डर की हूँ वो मैं फिर दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है होम जोन का स्टील कढ़ाई, देख सकते हैं ये बहुत ही हैवी है और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है और इसका प्राइस हुआ था 749, देख सकते हैं बहुत हैवी है। हाँ लेकिन हाँ 749 ये ट्राई प्लाई कढ़ाई है और ये होम जोन से है और ये ट्राई प्लाई कढ़ाई है 22 cm का है और इसका प्राइस 749 हुआ था। नेक्स्ट है ये वाला पतीला, देख सकते हैं जिसमें बहुत सुंदर गोल्डन का हैंडल है, ये जो स्टील के बर्तन है ये इंडक्शन फ्रेंडली है तो आप आराम से इंडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये भी ट्राई प्लाई का है, इसका ब्रांड का नाम रीव बोल कर कुछ है और ये मैं अभी तक ये सब स्टार्ट नहीं यूज़ करता, इसको क्लीन कर पहले आपको दिखा दूंगी, क्लीन करने के बाद मैं यूज़ करूँगी बोलकर पहले आप लोगों को शो करा देती हूँ और इसका प्राइस हुआ है 800। नेक्स्ट है ये एक है तसला, देख सकते हैं दोनों हैंडल मीन्स जो भी मेरे पास कढ़ाई है सब हैंडल वाला है और हैंडल में थोड़ा स्पेस लेता है तो इसीलिए और क्या दो चीज़ एक साथ बैठे बिठाएंगे तो हैंडल भी गर्म हो जाता है तो इसीलिए मैं एक तसला लेकर आई हूँ, देख सकते हैं ये वाला है तसला और ये 600 हुआ है और ये इसलिए लगा है इसका एक कोटिंग है ना तो ज़्यादा चिपकेगा नहीं, सारे सोच के लेके हैं उस दिन ट्राई करूँगी। और ये वाला है ना इसमें एक कोटिंग सा है जो जो क्या नॉनस्टिक के जैसा काम करेगा, चिपकेगा नहीं, स्टिकी नहीं होगा, इसीलिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है ये वाला हॉट केस, देख सकते हैं स्टील का हॉट केस है, इतना साइडिंग लग रहा है, नया नया बर्तन बहुत साइडिंग लग रहा है और इसका ब्रांड है नानो 9 कुछ इनोवेटिव किचन वेयर बोलकर है और ये मुझे हुआ था 449। ये भी मैं डीमार्ट से लेकर आई हूँ, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या हुआ मेरा एक ग्रीन कलर का प्लास्टिक का मीन्स अंदर स्टील था, ऊपर का जो है ना वो प्लास्टिक का था, मैं गैस के बर्नर के साइड में रखी थी, पूरा वो जल के मेल्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, बाद में जब देखी तो इतना बड़ा ब्लैक होकर होल हो गया। देख रही थी कुछ स्टील का अच्छा वाला कम प्राइस में बजट फ्रेंडली कुछ मिलेगा तो मैं लेकर आ जाऊंगी तो बहुत दिन तक मेरा चल जाएगा तो ये वाला लेकर आई हूँ, देख सकती हूँ बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है यूज करने का मन नहीं है लेकिन इतना सारा बर्तन मैं ले ली तो क्या हुआ अभी पुराने बर्तन से मन उठ गया, वो सब यूज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मन नहीं कर रहा है तो यही प्रॉब्लम होता है लेडीज लोगों का। और जितना भी अभी मैं दिखाई ये सब ना डीमार्ट से मैं लेकर आई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 month में सारा ही सारा मैं लेकर आ गई, मैं 2-3 महीने से थोड़ा थोड़ा एक एक करके लेकर आ रही थी क्योंकि मेरा जो बर्तन है ना बहुत पुराना हो गया था, इसमें उसमें बनाने का कुछ मज़ा नहीं आ रहा था तो इसीलिए मैं 2-3 महीने से एक एक लेकर आ रही थी, बस स्टोर कर रही थी, एक साथ जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊंगी बोलकर और अभी मेरा तो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट तो इसीलिए आप लोगों को शो कर देती हूँ। और नेक्स्ट डे ये वाला कढ़ाई, देख सकते हैं हैंडल है इसका, प्लास्टिक हैंडल है, गर्म नहीं होगा ज़्यादा, तो ये वाला है ना अमेजन ब्रांड का, ये भी कुछ 700-800 हुआ था,
ये एक चुल्ला स्टील है, लेकिन उसके ऊपर ना नहीं नहीं एक्चुअली ये एल्युमिनियम का है, उसके ऊपर ना ये स्टील का कोटिंग है। तो मैं ऐसे ही लेकर आई थी, और एक बार मैं बनाई भी थी भेंडी मसाला, हाँ भेंडी मसाला, भेंडी दही मसाला बनाई थी, आप लोगों को वो वीडियो भी शो कर रही थी, तो उसमें मैं ये यूज़ की थी और बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो ये तो अच्छा लगा मुझे, ये मैं लेकर आई थी अमेजन से, इसका भी लिंक दे दूँगी नीचे। नेक्स्ट है ये वाला, अमेजन से ऑर्डर की थी, इंडस वैली ब्रांड का है, देखे तो आप लोगों को शायद आइडिया हो गया होगा, ये ग्रीन कलर का जो है ना इसका लुक, तो ये है इंडस वैली का। ये भी हैवी बॉटन के है, एक बार मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ इसको, और ये भी मैं आप लोगों को शो की हूँ एक वीडियो में, हाँ ये वाला शो की थी। और इसमें मैं क्या बनाई थी, सूप बनाई थी, वेजिटेबल सूप बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छा बना था, और बाद में मैं दाल वगैरह भी बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें कुछ चिपकता नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और ये हुआ था 999 मीन्स 1000। नेक्स्ट है ये वाला, ये एक पतीला है, देख सकते हैं राइस बनाने के लिए, स्पेशली राइस के लिए, अगर आप नूडल चाहिए तो नूडल भी बना सकते हैं, कुछ स्टीम बनाने चाहते हैं तो स्टीम वेजिटेबल्स वगैरह बना के ऐसे ड्रेन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा छोटे छोटे होल्स है, तो आराम से पानी ड्रेन हो जाएगा। और यहाँ जो हैंडल है ना, देख सकते हैं ये ऐसा थोड़ा ओपन है, अगर आप इसको ऐसा कर देंगे ना ये लॉक हो जाएगा, और इस टाइप में आप वाटर छान सकते हैं। सॉरी गिर गया, दिखाने के चक्कर में शायद मैं ज़्यादा दिखा दी, तो इसको ना आप ऐसा करके ड्रेन कर सकते हैं। देखिए अभी नहीं गिरा है, थोड़ा लूज था, इसमें तो मेरा पूरा बेड भी दिख रहा है, बेडशीट दिख रहा है। तो ये वाला है राइस के लिए, बहुत ही बड़ा है, शायद 5 लीटर का होगा, ये याद नहीं क्योंकि 2-3 महीना हो गया, देखना पड़ेगा मुझे, चेक करना पड़ेगा ये। और ये ना विनोद ब्रांड का है, ये विनोद ब्रांड का है, और ये हुआ था शायद 1100 कुछ हुआ था, याद नहीं है मुझे, सॉरी। और नेक्स्ट है दो छोटू छोटू सामान, ये देख सकते हैं, एक छन्नी जो मैं डीमार्ट से लेकर आए, और ये जो ऐसा है ना कोन के जैसा इसका सेप, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादातर मैं डस्ट यूज़ करती हूँ, टी डस्ट यूज़ करती हूँ, पत्ता मीन्स लिप जो है ना टी लिप्स, वो तो किसी भी छन्नी में आराम से फिल्टर हो जाता है, लेकिन जो डस्ट वाला है ना ऐसा ब्रॉड रहेगा, थोड़ा छेद बड़ा रहेगा ना, तो वो कप में मीन्स नीचे आ जाता है, इसीलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी आता है थोड़ा, लेकिन कंपेयर टू अदर छन्नी इसमें कम आता है, और इसका प्राइस है 59। ये भी मैं डीमार्ट से लेकर आई हूँ, ये हुआ है 59 पे। और नेक्स्ट है और छोटू सा सामान, लेकिन बहुत हेल्पफुल है, ये है टी इन्फ्यूजर, देख सकते हैं आप, इसमें ना यहाँ पर लॉक का सिस्टम है, ऐसा करें तो ओपन हो जाता है, पूरा ये ओपन होता है, यहाँ पर है मीन्स लॉक, ये नहीं निकलेगा, हुक है यहाँ पर, इसको फिर ऐसे सेट करके अच्छे से मीन्स इक्वल रख के फिर इसको लॉक कर देने से ऐसा लॉक हो जाता है, और इसका इतना बड़ा चेन भी है जैसे आराम से आप निकाल सकते हैं, ऐसा तो पकड़ नहीं सकते अगर हम है ना, इसीलिए इसको पकड़ के निकाल सकते हैं। ये वाला आपको अगर कुछ फ्लेवर वाला टी बनाना है तो ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये मैं दूसरी रीजन के लिए लेकर आई हूँ, जो जब हम बनाते हैं ना पिंडी छोले, जिसमें हम यूज़ करते हैं टी का पानी फिल्टर करके, तो इसमें तो उस टाइप में ये इसके अंदर टी रख के कुकर के अंदर डाल देंगे, कुछ मसाला डाल देंगे, तो छोले में अच्छा फ्लेवर और कलर भी आ जाएगा, तो इस वजह से मैं ये लेकर आई हूँ। तो फिर आज का ये यूजफुल ब्लॉग इतना ही था, मुझे तो मेरा जितना भी बर्तन सेट है मीन्स यूटेंसिल से बहुत ही अच्छा लगा, तो आज का ब्लॉग इतना ही था, ये था मेरा यूटेंसिल का कलेक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ एक करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और फिर अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, थैंक यू, बाय।